ओके, सबसे मेन चीज ये होती है कि आपने डिसाइड क्या किया है. ओके, क्योंकि हार्डवर्क ऐसा है जो कि किसी को आप बोल सकते हो कि एट अ टाइम ये नहीं बताता कि हाँ अगर वो टॉपर है तो वो हमेशा टॉपर रहेगा. अगर उसने हार्डवर्क करना कम कर दिया तो ऑब्वियसली वो और टॉपर नहीं रहेगा. तो डिपेंड करता है, आपकी हार्डवर्क ही होती है जो बाकी आगे का जो आपका स्टेप होता है वो डिसाइड करती है. अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो या ब्राइट स्टूडेंट हो, आखिर में चल के रिजल्ट सबका एक ही होने वाला है अगर दोनों हार्डवर्क प्रॉपर वे में करेंगे. तो The CSIR NET exam is one of the toughest and important exam in India. And if you are thinking of giving this exam, it's a very important career decision that you are taking. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea With Toppers, an initiative by Unacademy and Fiona. And today, we are going to talk about the toppers. They have in CSIR NET Life Sciences in 2017 an All India Rank 41 share kiya tha. She's also a gold medalist from her university and aaj wo yahan pe aayi hai to help you with your preparation so that agar aap soch bhi rahe ho is exam ko attempt karne ki, you have the complete and solid knowledge. Everyone, let's welcome Jyoti Kumari. Hi Jyoti, welcome to the show. Thank you. So first of all Jyoti, hame ye bataiye ki the CSIR NET, you know, hamare bahut sare aspirants kehte bhi hai, we keep focusing on you know, usually with the civil services and all. So, isliye we wanted to talk more about these exams also. So, CSIR NET is one such exam. So, sabse pehle to aap hame bataiye that aapne CSIR NET ki taiyari kab shuru ki thi? Agar main aapko kahun ki maine preparations kab se start kiya tha, to it's like pehle to wo pre-plan nahi tha because I was not planning ki ha main kabhi CSIR NET dungi. Ji. तो जब मैं अपने एम एस सी टाइम पीरियड में चल रही थी तो तब मैं अपने बहुत से सीनियर्स के कॉन्टैक्ट में आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप का कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि आपको क्या मालूम पड़ता है कि अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप आगे चल के जे आर एफ का पोजिशन लेना चाहते हो या फिर रिसर्च फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो जी. तो आपको करना ये होता है कि कुछ एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं. ओके, तो एक चीज़ तो ये होती है कि आप पी एच डी नॉर्मली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग एल्स. लेकिन अगर एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट पे या फिर आप बोल सकते हो अगर आपको एक गवर्नमेंट फंड कर रही है तो वो एक अलग से आप बोल सकते हो वो वैल्यू मतलब ऐड कर देता है आपके प्रिपरेशन में. तो उसी वक्त मैं अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाइक ये एक इनिशिएटिव हो सकता है अगर तुम अगर टीचिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर तुम अपना रिसर्च में करियर बनाना चाहती हो तो यू कैन गो विद दिस एग्जाम. तो उस वक्त लाइक मैंने फर्स्ट टाइम सुना जब मैं अपने एम एस सी के फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि हाँ इस टाइप के कुछ एग्जाम्स होते हैं. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो फर्स्ट ईयर से ही मास्टर के स्टार्ट कर दी थी. ओके, तो यू नो क्योंकि हमें पता है सी एस आई नेट में भी देर इज़ लाइक पांच बेसिकली कैटेगरीज या यू नो डिविजन्स है राइट, जो जिसपे पीपल कैन अपियर. तो क्या आपको लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू आर सो श्योर कि आपको लाइफ साइंसेज में ही करना है और वर यू एवर कन्फ्यूज्ड? नहीं, ऐसा नहीं था क्योंकि जब हम लाइक इनिशियली जब हम अपने क्लास ट्वेल्थ से ही होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. Okay. तो लाइक मैं इस टाइप की स्टूडेंट थी जिसका बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसी से मैंने क्या किया अपना बी एस सी और एम एस सी प्रोसीड किया. क्योंकि अगर आप अपना बी एस सी और एम एस सी में बायोलॉजी लेते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको लाइफ साइंसेज के अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल सकते हैं. Okay. अगर आप एम एस सी या बी एस सी केमिस्ट्री में लेते हो तो यू कैन गो विद केमिकल साइंस. अगर आप फिजिक्स में लेते हो बी एस सी या एम एस सी तो आप जो है फिजिकल साइंस के साथ जा सकते हो. तो आपका जो एकदम फर्स्ट स्टेप होता है वो डिसाइड करता है कि आप आगे चल के कौन से फील्ड में नेट का एग्जाम देने वाले. ओके, तो आपका कहना ये है कि बेसिकली जिनको भी ये सी एस आई नेट एग्जाम देना भी है उनकी यू नो दिस थॉट ऑफ एक्चुअली सिटिंग फॉर दैट एग्जाम उनको बहुत पहले ही डिसाइड कर लेना है राइट. तो दैट इज इवन बिफोर देयर बैचलर्स आप जो बता रहे हो राइट. ग्रेट, तो सिंस हम लोग बैचलर्स पे आ गए, मुझे पता है कि मैंने जब थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ना शुरू किया था आई सॉ दैट यू हैव एक्चुअली हैड अ वेरी ग्रेट एकेडमिक रिकॉर्ड आज तक. आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, यू ऑल्सो क्लियर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स. तो क्या आप हमारे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करोगे? श्योर. लाइक जब मैं बैचलर में थी तो आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट विथ 92%. और इसके अलावा मैंने सी एस आई नेट लाइक जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया 2017 विथ ऑल इंडिया रैंकिंग 41 क्लियर किया है. इसके अलावा मैंने गेट 2018 इन लाइफ साइंस ब्रांच में क्लियर किया है एज वेल एज आई सी ए आर नेट भी मैंने क्लियर किया है. ओके, तो वो मैंने मेनली जो किया है वो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में किया है, दैट इज़ माई आई सी ए आर नेट. तो इसके साथ लाइक जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आपका जो सी एस आई नेट का एग्ज़ाम होता है वो एक इस टाइप का एग्ज़ाम है कि अगर आप उसका प्रिपरेशन करते हो तो आप मतलब ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों के लिए इनडायरेक्टली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत इन डेप्थ में पढ़ते हो क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज़्यादा ह्यूज है कि आप मतलब
कुछ भी पढ़ो वो किसी ना किसी और एग्जाम का पार्ट वो बन ही जाता है. तो इट्स लाइक आप बोल सकते हो सीएसआईआर नेट जो एक मास्टर है बाकी सब एग्जाम्स का, आप अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बाकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन आपके हो जाते हैं, अंटिल अनलेस अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड के लिए ना जाओ तो. तो यू नो जैसे कि अभी आप बता रहे हो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा है राइट, मगर ऐसे हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जब बहुत ही ब्राइट टॉपर्स को देखते हैं उनको लाइक यू नो ऐसे लगने लगता है कि भाई ये तो कोई और जाति के हैं, कहीं और से आए हैं, हमसे ये नहीं होने वाला. तो आपको क्या लगता है क्या एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो ऐसे कंपेटिटिव यू नो डिफिकल्ट काइंड ऑफ एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं? आई नो यू टोल्ड मी दैट हार्ड वर्क इज द की. आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे टू गेट योर फाइनल यू नो यूनिवर्सिटी ऑल्सो. तो आप क्या कहोगे टू ऑल दीज एस्पिरेंट्स हु स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं तो स्कूल में अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट एज ब्राइट एज दिस टॉपर, विल आई बी एबल टू डू इट? ओके, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने डिसाइड क्या किया है. ओके, क्योंकि हार्डवर्क ऐसा है जो कि किसी को आप बोल सकते हो कि एट अ टाइम ये नहीं बताता कि हाँ अगर वो टॉपर है तो वो हमेशा टॉपर रहेगा. अगर उसने हार्डवर्क करना कम कर दिया तो ऑब्वियसली वो और टॉपर नहीं रहेगा. तो डिपेंड करता है, आपकी हार्डवर्क ही होती है जो बाकी आगे का जो आपका स्टेप होता है वो डिसाइड करती है. अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो या ब्राइट स्टूडेंट हो, आखिर में चल के रिजल्ट सबका एक ही होने वाला है अगर दोनों हार्डवर्क प्रॉपर वे में करेंगे तो. ग्रेट, चलिए बहुत ही अच्छा कहा आपने. तो चलिए अब ज्योति हमें ये बताइए कि सिंस एग्जाम यू नो अभी अभी जून में हुआ था, अगेन आपने जैसे यू नो आपसे मैं पहले भी बात कर रही थी एंड आप मुझे बता रहे थे अभी यू नो रीसेंट ईयर्स में देखे जा रहे हैं और भी ज्यादा लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स बिकमिंग इवन मोर कम्पिटिटिव क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ जा रहे हैं. तो उनके लिए ही यू नो आप क्या कहोगे लाइक सिंस यू हैव डन द एग्जाम, यू हैव गिवन द एग्जाम, आपको क्या लगता है कि ऑन अ कम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो जब लोग इस एग्जाम को देते हैं उसके बाद व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन गेट, मतलब इतना मेहनत जब एग्जाम में करते हैं उसके बाद फ्यूचर क्या हो सकती है? ओके, अगर आपका लाइक इनिशियल टाइम से ही एम है कि आप किसी रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हो, एज अ साइंटिस्ट काम करना चाहते हो, या फिर आप कह सकते हो आप अपना खुद का लैब स्टैब्लिश करना चाहते हो, या फिर आगे चल के टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो अगर आपका लाइक ये सब कुछ एम है तो ऑब्वियसली सीएसआईआर नेट जो है आपको एक बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हो तो आपको गवर्नमेंट फंड करती है आपके रिसर्च वर्क के लिए. ओके, तो आप एट अ टाइम एक लैब में जाकर आप इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होता है तो वो लैब आपको ले लेगा. फिर वहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा लाइक जो भी एक ड्यूरेशन जिसमें आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी उतने टाइम के लिए आपको जो सीएसआईआर नेट है वो फंड करता है. तो अगर आपने रिसर्च में करियर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको इसके साथ जाना ही होगा, क्योंकि इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि अगर आपको गवर्नमेंट जो है आपके काम के लिए फंड कर रहा है. ओके, ये चीज हो गई पहली, दैट इज द अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है तो. इसके अलावा होता है जैसे आपको खुद का जो लैब है वो एस्टेब्लिश करना है, तो ऑब्वियसली लाइक एक सीएसआईआर नेट एक ऐसा आप बोल सकते हो क्वालिफिकेशन हो गया है जो कि आजकल के टाइम में मैंडेटरी हो गया है. अगर आप रिसर्च कर रहे हो दैट मीन्स आपके पास सीएसआईआर नेट होना चाहिए. इनफैक्ट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी कर लिया है लेकिन इसके बाद उनको वैलिडेशन नहीं मिला जस्ट बिकॉज उनका सीएसआईआर नेट क्लियर नहीं है. अच्छा. तो वो पीएचडी के बाद भी घर पे बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज उनका सीएसआईआर नेट नहीं है, तो वो उनको अभी क्लियर करना पड़ेगा. ओके, इसके अलावा लाइक टीचिंग के लिए मैंने कहा तो जैसे कि आपको पता है सीएसआईआर नेट में दो कैटेगरी होती है, दैट इज आपका जीआरएफ हो जाता है और लेक्चरारशिप हो जाता है. तो अगर आप लेक्चरारशिप में इंटरेस्टेड हो आगे चल के लाइक टीचिंग में इंटरेस्टेड हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहते हो, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना चाहते हो, तो आपको करना क्या होता है कि आपका ये एलएस जब क्लियर हो जाता है आपके सीएसआईआर नेट का जो एलएस क्लियर हो जाता है तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. तो वहाँ पे आपको जो लेक्चरार की पोस्ट मिलती है आप बोल सकते हो एक वैलिडेशन के साथ मिलती है बिकॉज यू आर सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड. तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस होते हैं और ये सारी करियर अपॉर्चुनिटी होती है. अगर इन केस आपका इनिशियल एम इन सब में लाइक रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, तो आपको जरूर ये एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहिए. ग्रेट, एग्जाम के बारे में बात करते हैं. एग्जाम हमें पता है 3 घंटे का एग्जाम रहता है राइट, तो आप क्यों ना हमारे सारे एस्पिरेंट्स को ये बताओ कि एग्जैक्ट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो डिविजन्स होते हैं. एक्चुअली मैंने इससे पहले आई हैव ऑल्सो मेट राहुल मापारी जी, सो इसीलिए मतलब उन्होंने भी हमें काफ़ी बताया था यू नो अबाउट द सीएसआईआर. तो आप हमें बताइए लाइफ साइंसेस के लिए ये जो 3 सेक्शंस है इस पे बेसिकली क्या डिवीजन होता है, हाउ इज यू नो हाउ आर द क्वेश्चंस इन दीज डिवीजंस, कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न. ओके, देखिए आपका जो सीएसआईआर नेट का पेपर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी एंड सी. पार्ट ए जो होता है वो आपका मेनली जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, तो वो आप बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो लाइक एक नॉर्मल एग्जाम के लिए जो भी प्रिपेयर करते हो तो वही जनरल एप्टीट्यूड जो है आपका उसमें भी काम कर देता है. तो वो उसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेन उसी पर फोकस करते हैं. उसके बाद आता है आपका पार्ट बी.
पार्ट बी में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो लगभग आपको 50 मिलते हैं और आपको एनी 35 अटेम्प्ट करने होते हैं जी। तो उसमें पार्ट बी की खासियत ये होती है कि अगर आपका मेमोरी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब किसी चीज़ को आप पढ़ते हो बहुत लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हो और मतलब ये सब चीज़ें करने में अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपका पार्ट बी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको याद करना है, उसके बाद आपको आंसर्स जो है वो देखना होता है। अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी एक ऐसा पोर्शन है जो कि मतलब आप कह सकते हो कि हमें CSIR NET क्लियर भी करवा देता है या फिर हमारे हाथ से CSIR NET का बॉर्डशीट लेकर चला जाता है। क्योंकि पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें कि आपका आप बोल सकते मतलब 100 मार्क्स का हमें अटेम्प्ट देना होता है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और एनी 25 करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरिएशन कितने ज़्यादा हैं क्वेश्चन के, लेकिन फिर भी टॉप 25 क्वेश्चन उन 75 क्वेश्चन में से पिक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका लेवल आप बोल सकते हो थोड़ा सा टफ होता है। ओके तो इस वे में सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं कि जो आपका पार्ट सी है उसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए, बेसिक्स भी क्लियर चाहिए और कंसेप्ट भी चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें अगर आपका क्लियर है तो आपका पार्ट सी डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। लाइक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पार्ट सी, मुझे लाइक मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो मेरा पार्ट भी उतना अच्छा कभी नहीं जाता है, बट पार्ट सी लाइक जैसे मैंने बताया आपको 100 मार्क्स का आता है तो मोर ऑर लेस मैं हर एक अटेम्प्ट में लगभग 85-90 स्कोर कर लेती हूँ उसमें। क्योंकि लाइक उसका जो पॉइंट लाइक उसका जो डिमांड है उस पार्ट सी का जो डिमांड है वो डिमांड मेरे थ्रू जो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन पार्ट बी के लिए इट्स लाइक जिसका बहुत स्ट्रांग मेमोरी है वही जो है जाके वहाँ पे 35 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके तो ये तो आपने हमें पैटर्न समझा दिया, मगर यू नो ऑब्वियसली हर एग्जाम को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका सिलेबस एंड रिसोर्स, तो उसके बारे में आप बताइए आपने क्या क्या यूज़ किया था। ओके तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले आपका काम ये है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ लाइक जिस फील्ड में आप कदम रखने वाले हो अगर आपको पता नहीं है कि उस फील्ड की डिमांड क्या है दैट इज़ व्हाट सिलेबस, तो ऑब्वियसली आप कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा लाइक उसमें 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। अच्छा लाइफ साइंसेस में ही 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को इस वे में डिज़ाइन किया गया है कि लाइफ साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली अपना मास्टर या बैचलर करते हैं तो वो उनके लिए ये प्लस पॉइंट जो है वो ऐड किया है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स वे में है कि किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर उन सारे सब्जेक्ट से फैमिलियर है तो वो इजीली इस एग्जाम के लिए अपीयर होने का आप बोल सकते हो कि कोशिश कर सकता है या फिर हिम्मत कर सकता है। तो अगर हम देखें तो आपके टोटल 13 यूनिट्स इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे 13 यूनिट्स को देखोगे तो कोई भी एक यूनिट दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। अच्छा हार्डली आपको शायद 3 यूनिट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस में जो कि आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हो गया आपका सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो ये 4 यूनिट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इसका इससे जुड़ा हुआ चीज़ किसी और यूनिट में मिल जा रहा है, उससे जो कनेक्टेड है चीज़ वो किसी और यूनिट में मिल जा रहा है। लेकिन उसके बाद के जो सारे के सारे यूनिट्स हैं लाइक अलग से आपका जूलॉजी हो जाता है जो कि आपको एनिमल के बारे में पूरा का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, फिर प्लांट पे अलग से पोर्शन हो जाता है जिसमें प्लांट अलग पढ़ना है, तो अब एनिमल प्लांट पूरे के पूरे अलग हो गया। इसके अलावा अलग से फिर टेक्निक्स आपको पढ़नी होती है। तो आपको अगर CSIR NET क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है और उससे आपको डील कैसे करना है। मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सिंपल दोनों का मैं प्रपोर्शन जो है वो लगभग इक्वल रखूँ, जिसकी वजह से क्या हो कि अगर मैं किसी टॉपिक को मैं पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ तो क्या हो कि अगर मैं उससे अगर स्विच करती हूँ कोई टफ टॉपिक है मैं उससे स्विच करती हूँ तो एटलीस्ट मैं सिंपलेस्ट वाले पे जाकर उसको उसका प्रिपरेशन कर सकूँ ताकि एटलीस्ट मैं टाइम वेस्ट ना हो। ओके तो इस वे में लाइक सिलेबस को तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, मैं ये कहूँगी कि आप नॉर्मली डाउनलोड भी कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ई बुक आप डाउनलोड कीजिए, जितने भी स्टैंडर्ड ई बुक हैं वो डाउनलोड कीजिए। उसके बाद मैंने अपनी मैक्सिमम जो प्रिपरेशन किया है वो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से किया है, लाइक मुझे गूगल पे कुछ भी चीज़ें सर्फिंग करने में बहुत मज़ा आता है और आप बोल सकते हो कि मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ क्योंकि मैंने बैचलर से ही वही किया है, मैक्सिमम नॉलेज को मैंने गूगल से ही लिया है। तो वहाँ से मैंने मैक्सिमम जो है मैं नोट्स प्रिपेयर किया है मैंने खुद के लिए। इसके अलावा मैंने साथ साथ में स्टैंडर्ड बुक भी प्रेफर किए हैं, लाइक ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल रहा है या फिर इनकेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी तो वो तो एक स्टैंडर्ड बुक है ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ स्विच करूँ? तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन क्या होता है,
आप ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन सोर्सेज पे विजिट कीजिए, यूट्यूब है आपके पास, उसके बाद गूगल है, इन सब चीज़ों पे आप सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ एक आप बोल सकते हो कि एक अच्छा सा कंटेंट आपको मिल ही जाता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप नोट्स भी बनाते थे? या ऑफ कोर्स। तो वो कैसे करते थे? नोट्स तो इस लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बिना नोट्स के मुझे नहीं लगता कुछ काम चलने वाला है, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अब मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर रहा है, अब स्टैंडर्ड बुक क्या होती है कि अगर हम अपने लाइक बैचलर से देखें तो जो टॉपिक हम जिसको हमने एज अ टॉपिक पढ़ा था वो आगे चल के एज अ आपको बुक भी मिल जाती है। ओके लाइक मैं अगर मैं पढ़ रही हूँ पीसीआर और अगर मैं आगे जाकर देखूं कि हाँ कौन कौन से पोर्शन जो है पीसीआर में इंक्लूड होते हैं, तो एट अ टाइम मैंने कभी उसको पीसीआर को एज अ टॉपिक पढ़ा था, लेकिन अभी जो है पीसीआर एक बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, मतलब लिमिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बुक पे सॉरी एक टॉपिक पे अगर आप पढ़ते रहते हो और आपको लिमिट पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या मतलब मैं इस वे में करती थी सारा अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन कि मैं क्या करती थी, पहले बुक्स जो होते थे बुक्स में से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी मैं पढ़ती थी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखती थी और उसको हाईलाइट करती थी। ओके हाईलाइट करने के बाद उन सारे पोर्शन को मैं देखती थी कि हाँ फिर भी वो एक अच्छा खासा पैराग्राफ बन जाता था हाईलाइट करने के बाद भी। अब मैंने उसको पढ़ा, अब जिस वे में वो मुझे समझ में आया मैं उस वे में उसको एक पेज में पूरा का पूरा समअप कर लेती थी। अगर मैंने 10 पेज पढ़ा है 10 पेज में ऑब्वियसली काफी कंटेंट में हाईलाइट कर लेती थी जिसको कि मुझे रिविजन टाइम में मतलब कवर करना मुश्किल हो जाएगा जी। तो मैं उसको क्या करती थी अपने ही लैंग्वेज में जो कि मेरे लिए मतलब मुझे समझ में आ सके उसको मैं वन पेज में लेके समअप। 10 पेजेस को आप एक पेज में समराइज कर जाते। ग्रेट। सो ये थी आपकी नोट मेकिंग की टिक। ऑल्सो सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए आई नो ज्योति ने मेंशन किया है स्टैंडर्ड बुक्स बहुत बार होते हैं, एस्पिरेंट्स कहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स भी आपने कौन से किए थे। सो हम क्या करेंगे, इस सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो ज्योति ने भी रेफर किया था उनसे लेकर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो ग्रेट। तो अब यू नो अब आपने हमें तो बता दिया सिलेबस में क्या था, सिलेबस बेसिकली सबसे पहले देखना पड़ता है, उसके बाद प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी हमें बताई, एग्जाम का पैटर्न भी बताया। अब आप हमें ये बताइए कि एग्जाम डे पे जब आप जाते हो एंड यू नो क्योंकि आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन बी से भी कितने क्वेश्चंस करोगे आप, सेक्शन सी में तो और भी ज़्यादा आपको सिलेक्शन करने हैं उन 25 के, तो एग्जाम डे के लिए एक स्ट्रैटेजी अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सको कि हाउ कैन दे टेक द चॉइस कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही हाउ डू दे गो अबाउट इट। ओके देखिए जैसे कि आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, लेकिन मैं वही डिस्कस करूंगी जिसने मेरे साथ काम किया है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर के 3 डिवीजन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैं क्या करती थी लाइक मैंने ओवरऑल लाइक एनालिसिस के थ्रू देखा है कि जो लास्ट से क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टार्टिंग के क्वेश्चन से काफी ईजी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पार्ट सी से अगर लास्ट क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन तो मैं वहां से पेपर करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं पूरे क्वेश्चन में लाइक पार्ट सी की मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ, पूरे पार्ट सी में मैं ये एनालाइज करती हूँ कि कहाँ पे मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग आया है क्योंकि वो आपको अपने आप में ही काफी हिंट दे देता है। अगर आपने दो ऑप्शन ठीक कर एलिमिनेशन या एलिमिनेशन भी हो जाता है और दो ऑप्शन आपने ठीक कर लिए तो बाकी दो ऑप्शन आप इजीली जो है वो पिक कर लेते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमेशा जो है जब भी आपको पेपर मिलता है आपको पहले मैच द फॉलोइंग के लिए जाना चाहिए। मैच द फॉलोइंग के बाद एक कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन होता है लाइक आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, 4 में से बोला जाता है कौन सा 3 स्टेटमेंट सही होगा या कौन सा 3 स्टेटमेंट गलत होगा जी। तो उसमें क्या होता है अगर आपने 2 स्टेटमेंट को भी सही सही मतलब पहचान लिया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो ऑटोमेटिकली कौन सा कॉम्बिनेशन सही है वो आपको पता चल जाता है। तो अगर मैं मतलब सीरीज में बताऊँ तो सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग अटेंड करना चाहिए, उसके बाद कॉम्बिनेशन टाइप, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है या फ्लो चार्ट दिया होता है उसके बाद आपको उस पर स्विच करना चाहिए बिकॉज वो आपका टाइम कम कंज्यूम करता है और जो चीजें दी हुई होती हैं उसको हम देख के एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ किसके बारे में बोला गया है। तो अगेन उस पर फिर स्विच करना चाहिए। उसके बाद अगर ये 3 पोर्शन को कवर करने के बाद भी अगर आपके 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तब आपको फिर सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया है उसके 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, बोला जा रहा है कि हाँ कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा रॉन्ग होगा, लेकिन वो जो सिंगल टाइप सिंगल ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसमें क्योंकि हम अगर हम थोड़ा सा भी श्योर नहीं है और इनकेस हमने उसको अटेंड कर दिया है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा नेगेटिव मार्क्स हो जाए। तो ये होगी आपके पार्ट सी की बात। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो आपका मन पसंद था बिल्कुल नहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में कोई स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता काम करती है क्योंकि
अगर आपको याद है तो आप करोगे, अदरवाइज आपको छोड़ना होगा. लेकिन मैं फिर भी इसमें यही बोलती हूँ कि जो पोर्शन आपने पढ़ा है, इनकेस जो आपने पढ़ा है वो अगर आ गया है तो ऑब्वियसली आपको उसके साथ प्रोसीड करना चाहिए. और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हो इनकेस, तो ऐसे क्वेश्चंस पे मतलब वहाँ उस टाइम पे स्टक होके रहोगे तो आगे का जो पोर्शन आप करने वाले हो उसके लिए आप पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे. तो बेटर है आप पार्ट सी से स्टार्ट कीजिए. एटलीस्ट आपने 20 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने 80 मार्क्स का पेपर अभी अटेम्प्ट कर लिया है. परफेक्ट. फिर पार्ट सी पे आपको स्विच करना है, डिपेंडिंग कि आपको क्या आता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर दीजिए. पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए के लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है. इनकेस पार्ट ए आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप अटेंड नहीं कर पाते हो. लेकिन फिर भी मैंने देखा है 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है तो भी आप वो कर लेते हो. तो फिर भी पार्ट ए के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलोगे आप, कैसे लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? फाइन. तो पार्ट ए के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको मैं ये कहती हूँ कि उसको आपको अलग से कुछ मतलब कुछ ड्यूरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. लाइक अलग से जैसे कि हाँ एक हफ्ते में पार्ट ए को कंप्लीट करना, इस टाइप से कुछ टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है. आप रोज जो आपका रेगुलर स्टडी है उसके साथ साथ रोज 1 आवर या फिर 2 आवर्स तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है. आप नॉर्मली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए. दैट इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा मतलब आई थिंक कुछ और एडिशनल जो होते हैं क्वेश्चंस वो पूछे भी नहीं जाते हैं. रिपीटेशन वे में ही आता है, लाइक वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन का वही रहेगा. और आपको लगभग 15 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं पार्ट ए से. तो इजीली जो है 20 में से आप 15 अटेंड कर सकते हो. इनकेस 15 नहीं अटेंड करना चाहते हो आप, आपका पार्ट ए बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो आप 6 to 7 को अटेंड कीजिए. इजीली जो है आप वहाँ पे 12 to 13 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे. परफेक्ट. तो वो आपका एक अच्छे से कट ऑफ में भी रख देगा. बिल्कुल. परफेक्ट. तो एक चीज़ मुझे बताइए ज्योति, क्योंकि अभी अभी तो आप इतने अच्छे से समझा रहे हो हमारे सारे एस्पिरेंट्स को, इतना इन डेप्थ नॉलेज हो गया है आपको इस पे. ये मुझे बताइए कि दिस एग्जैक्ट थॉट कि आपको यही आगे जाके करना है, ये आपके दिमाग में कब आया और कब यू नो यू एक्चुअली डिसाइडेड कि आगे चल के फ्यूचर में दिस इज व्हाट आई वांट, मैं यही करने वाली हूँ? और क्या कोई ऐसा था कि फैमिली में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था इसके लिए? ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाँ मुझे मतलब इस एग्ज़ाम को लाइक अपीयर होने का, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने का मुझे आइडिया कहाँ से मिला. जैसे मैंने आपको बताया था मेरे सीनियर से मुझे मिला, लाइक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी. तो इनिशियली तो मुझे पता नहीं था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था मास्टर का. तो लाइक जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि लाइक आर यू अपीयरिंग फॉर CSIR NET? तो आई थिंक इट वॉज 2016 जून इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैंने बोला कि उस टाइम मेरा क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम क्या होता है, मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली ये एग्ज़ाम क्या होता है. तो उन्होंने बोला कि इस टाइप से होता है, GRF होता है, LS होता है. लेकिन उनकी सारी की सारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें सुन रही थी. इनफैक्ट मुझे उस टाइम GRF का फुल फॉर्म तक पता नहीं था कि GRF क्या होता है, मैं क्यों दूँ GRF, लाइक मुझे इससे क्या मिलेगा. फिर उसके बाद मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, लाइक मेरे एमटेक के फ्रेंड्स थे, तो उनसे मैंने इस बारे में बात किया बिकॉज वो फॉर्म भर रहे थे और उनके मुँह से मैंने इसके बारे में लाइक डिस्कशन सुना. तो मैंने उनको कहा कि मतलब इस एग्ज़ाम को देख के क्या होता है, मतलब मुझे क्या बेनिफिट मिलता है. तो उन्होंने समझाया कि इस वे में होता है, GRF से तुम PhD कर सकते हो और गवर्नमेंट तुम्हें फंड करती है और उसका एक वैल्यू होता है क्योंकि तुमने एक नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर लिया है. एक नॉर्मल टीचर की तरह या फिर एक लेक्चरर की तरह एक यूनिवर्सिटी में काम करना और नेट क्वालिफाइड होकर लेक्चरर की तरह काम करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. Definitely. क्योंकि आप नेशनल लेवल पे क्वालिफाई हो चुके हो, सबको पता है कि आपको अगर ये डिग्री मिली है या ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मिला है तो आप में कुछ है, तब मिला है जी. सो दैट इज़ अ वैलिडेशन. तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ इस टाइप की चीज़ें होती हैं. फिर वही मैं सीनियर से फिर अपने कॉन्टैक्ट में आई. लाइक मेरे सीनियर्स ने मेरी पूरी ओवरऑल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मतलब मैं ब्लेस थी एक अच्छे मतलब सीनियर्स के ग्रुप से. कुछ भी प्रॉब्लम होता था ऑब्वियसली मैं उनसे ही कॉन्टैक्ट करती थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी. और वो लाइक जब भी फ्री होते थे दे आर रेडी टू हेल्प मी. मुझे ही नहीं, बहुत से मेरे लाइक मेरे जो फ्रेंड सर्कल था पूरे के पूरे ग्रुप को उन्होंने गाइड किया और हमने उनकी ही गाइडेंस में लाइक आज कोई भी एग्जाम अगर मैं क्लियर करती हूँ तो मेरे जो सीनियर्स हैं मैं उनको पक्का फ़ोन करके ये बोलती हूँ कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया और वो बहुत खुश होते हैं सुन के. क्योंकि मेरा मानना है कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में एक्चुअली. लाइक जो भी मैं एग्जाम क्लियर कर पा रही हूँ, जितना भी नॉलेज मैंने लिया है, कहीं ना कहीं उनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स तो हमेशा ही रहते हैं. मेरे डैड, मेरे मॉम, सबके सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं. हमेशा ही लाइक उनका ये रहा है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो इस वे में करूँ, मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ हमेशा. और उनका ये कहना था कि तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हारे साथ अपने आप ही बेस्ट होगा. तो उसी स्ट्रैटेजी से मैं आज भी यही करती हूँ, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचती हूँ, पहले अपना बेस्ट देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि हाँ रिजल्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ग्रेट. तो जैसे कि ज्योति के सीनियर्स यू नो इतने
knowledgeable थे और इन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है फॉर हर प्रेपरेशन एंड दैट गेव हर सक्सेस. वैसे ही ज्योति एंड देर आर मेनी अदर टॉप एडुकेटर्स जो CSIR NET की तैयारी आपके लिए भी Unacademy Plus पे करते हैं. सो मेक श्योर टू चेक आउट Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में ऐड अभी आने वाला है. एंड इफ़ यू आर वन ऑफ आर ऑडियंस एंड समवन हु वॉचेस CTwT, आप CTwT का कोड डाल के यू कैन इवन गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. एक CSIR NET aspirant से एक टॉपर, मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ. ऑल नियर रैंकिंग 41 सिक्योर करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली आपको इस एग्जाम को क्लियर करने का सही स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ. मेरे सारे कोर्सेज इस तरह से डिजाइन हैं कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. तो आइए मेरे साथ लाइफ साइंस की तैयारी करें और CSIR UGC NET को कॉन्फिडेंटली क्लियर करें. मैं हूँ ज्योति कुमारी और मैं CSIR UGC NET के लिए Unacademy Plus पे लाइव पढ़ाती हूँ. ग्रेट. तो ज्योति हमें अब ये बताइए, क्योंकि अब दिसंबर वाला अटेम्प्ट आएगा जो लोग देने वाले हैं. सो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे बताइए अभी अगर कोई शुरू करता है तो क्या वो दिसंबर तक इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या रहना चाहिए उनका एक प्लान या स्टडी शेड्यूल जिससे दे कैन यू नो कवर द इंटायर सिलेबस एंड डू वेल इन द अटेम्प्ट. ओके, तो देखिए अभी जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपको पहले कितना पता है. जी लाइक जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक एजुकेटर हूँ Unacademy के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं डे बाय डे ऐसे स्टूडेंट से भी फैमिलियर होती हूँ जिन्होंने मास्टर क्लियर कर लिया बट उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है. Okay. तो मेरा उनसे लाइक अब उनको मैं झूठ बोल के भी क्या करूंगी कि हाँ नहीं तुम प्रैक्टिस करो तुम्हारा हो जाएगा. तो उनके लिए ऑप्शन ये होता है कि उनको 1 साल का प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए. Okay. क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है. अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ कैसे डील करेंगे. और ऑब्वियसली बेसिक एक ऐसी चीज है जो रातों रात क्लियर नहीं होती है आपके लिए, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, इनकेस अगर आप पढ़ने में मतलब पहले उतने अच्छे नहीं थे या बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपका जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है. क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीजों के साथ डील नहीं करनी है, आपको अलग अलग यूनिट्स हैं उसके साथ डील करनी है. तो आप एट अ टाइम कितनों का बेसिक क्लियर करोगे? एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर कर सकते हो. तो अगर जैसे कि ये आपकी अगर कमी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि हाँ मैं 1 साल बाद रेडी हो जाऊंगा या रेडी हो जाऊंगी इस एग्जाम के लिए. अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है और आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि नहीं मुझे CSIR NET 2019 दिसंबर का क्लियर करना, तो ऑब्वियसली फिर तो वो पॉसिबल नहीं होगा. इसके अलावा जिसका बेसिक्स क्लियर है, और अगर कुछ CSIR NET के कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिससे वो पहले से फैमिलियर है, माइट भी 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, तो हाँ उनके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो सीरियस वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ वो CSIR NET जो है 2019 अटैम्प्ट का वो क्लियर कर सकते हैं. ग्रेट. तो अगर आप ही हमें बताए कि आपने अटैम्प्ट जून में दिया था. जून में दिया था, राइट? तो आपने एग्जैक्टली अगर आप यू नो एक टाइम टेबल की तरह बता सको हमारे एस्पिरेंट्स को, दोनों केस ही ले लेते हैं बेसिकली. आपका तो मुझे लगता है बेसिक हमेशा से ही स्ट्रांग रहा था. सो लाइक दो सिनारियोज ले लेते हैं. एक सिनारियो पहले लेते हैं जिनका बेसिक्स ठीक है, जैसे आपने कहा कुछ कुछ यूनिट्स से यू नो दे आर फेमिलियर विथ, उनके लिए क्या रहना चाहिए लाइक यू नो लाइक अ टाइम टेबल, कितने घंटे उनको पढ़ना पड़ेगा, कब से कब पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट निकलता है, एंड फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा बता सको फॉर दोज ऑल्सो जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उनको अगर वो 1 साल लेके भी पढ़ रहे हैं तो उनको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए. ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपने मुझे कहा कि मेरा बेसिक्स पहले से ही बहुत क्लियर था, बट नहीं ऐसा नहीं था. अच्छा. बिकॉज मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ. जी. और अगर आप CSIR NET का सिलेबस देखें तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी नहीं आता है. अब आप खुद सोचिए जो स्टूडेंट ने अपना 5 साल लाइफ का, लाइक मेरा BSc भी माइक्रोबायोलॉजी से है और मेरा मास्टर भी माइक्रोबायोलॉजी से, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने जिसमें मैंने अपने 5 साल दिए लाइफ के, लेकिन वो सब्जेक्ट मुझे CSIR NET में नहीं मिला. ओके. तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक बहुत ही ड्रॉबैक था क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं पिछले 5 साल से पढ़ रही थी, लेकिन वो मुझे CSIR NET में नहीं मिला. जी, जी. अब मेरा ये टारगेट था कि जो भी कोर्स वर्क में मेरे मुझे सब्जेक्ट प्रोवाइडेड थे मैं उन सब्जेक्ट को टारगेट करूँ. Okay. तो मेरे जो फैमिलियर सब्जेक्ट्स थे वो शायद थे 3 से 4, तो okay. मैंने उन्हीं को स्टार्टिंग में टारगेट किया और साइड बाय साइड लाइक आप बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा मतलब मैं हार्डवर्क करने के लिए पीछे कभी नहीं हटती हूँ, साइड बाय साइड मैं हमेशा लगभग 1 से 2 घंटा अलग से रखती थी ताकि मैं अपना बेसिक्स क्लियर कर सकूँ. ओके. बहुत से ऐसे यूनिट्स थे जिसका मेरे पास बेसिक बिल्कुल भी नहीं था. जी. तो मेरे को ये मालूम था कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर 1 साल में टारगेट करना है, मुझे पता था कि हाँ 2017 के एंड तक मुझे इसको टारगेट कर लेना. ग्रेट. तो अगर जैसे कि आपने मुझे कहा कि मेरा जो बेसिक्स है वो पहले से क्लियर था, तो ऐसा नहीं था कि मेरा बेसिक पहले से क्लियर नहीं था.
तो मैं उसके लिए क्या करती थी, जैसे कि जो सब्जेक्ट मैंने पहले से पढ़ रखे हैं उसको मैंने टारगेट किया, साथ ही मैं क्या करती थी जो ऐसे न्यू यूनिट है जिसको कि मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है उसका मैं बेसिक्स क्लियर मैंने करना जो है वो साथ में स्टार्ट कर दिया था। अब ये इस वे में काम करता था कि एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है और एक ईजिएस्ट फॉर्म में पढ़ रही हूँ, दैट इज मेरा बेसिक। तो साथ में उसको लेके आप बोल सकते हो कि चलना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं उस चीज को पढ़ के बोर हो गई हूँ तो मैं सिंपल पे जो है वो स्विच कर जाती थी। तो इसे मैंने क्या किया, जो भी मेरा बेसिक लाइक आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट था, रादर टू से इनकम्प्लीट था, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। तो जैसे मैंने कहा आपको पहले बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा और ये चीजें मुझे समझ में आने लगी। और ये तैयारी सॉरी ज्योति आप कब कर रहे थे, लाइक आपके फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर? नहीं नहीं, मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर यानी मेरे फर्स्ट ईयर मास्टर के फर्स्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके परफेक्ट यस। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला बेसिक्स भी चल रहा था साथ साथ में और जो टॉपिक्स में पहले से फैमिलियर थी उसको कॉम्प्लेक्स में पढ़ रही थी, लेकिन मैंने साथ साथ में ये देखा कि ये टॉपिक्स लाइक जो मैंने 3 से 4 यूनिट टारगेट किए थे वो मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ आई वाज नॉट रॉन्ग 33 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 200, मेरे 33 स्कोर मैंने स्कोर किया था। तो वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि हाँ चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं जी। तो मेरा फिर टारगेट ये था कि हाँ मैं कुछ और ऐसा प्लानिंग करूँ जिसकी वजह से कुछ मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो। जब सेकेंड मैंने अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम मेरे 78 आई गेस मार्क्स थे आउट ऑफ 200, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कम है जी, क्योंकि अगर आपको GRF क्लियर करना है तो आपको लगभग 110 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि हाँ सिर्फ 4 यूनिट्स जो हैं मेरे को हेल्प नहीं कर सकती हैं मुझे इस एग्जाम को क्लियर करने में जी। तो इसके साथ मैंने क्या किया, ओवरऑल मैंने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की कि हाँ मैं कौन सी यूनिट में कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकती हूँ। और उसमें मैं जब मैंने सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 7 to 8 यूनिट्स मुझे टारगेट करने होंगे तभी मेरा CSIR NET क्लियर होगा। लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा हर एक यूनिट्स का एक ड्रॉबैक होता है, वो जो ड्रॉबैक होता है वो स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो इन केस अगर किसी एक यूनिट का कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो मैं फिर उसका कंपनसेशन कहाँ रखूँ, तो उसके लिए मैं किसी और यूनिट का कोई और टॉपिक टारगेट कर लेती थी। तो मतलब जो भी लॉस मेरे को हो रहा था उसको मैं कहीं ना कहीं से कंपनसेशन में डाल दे रही थी, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल मार्क्स था उसमें कोई भी कंपनसेशन नहीं हो रहा था। तो इस वे में मैंने अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग किया एज वेल एज अपना यूनिट्स जो है उसको भी मैं प्रोसीड करती है जी। अगर हम बात करें जैसे कि जो स्टूडेंट है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, तो जो मैंने फॉलो किया था स्ट्रैटेजी वही उनको करना चाहिए। एक साल आई थिंक उनको एक साल मिनिमम लगेगा ही लगेगा। आपने भी एक साल दी थी अपनी पूरी तैयारी, लेकिन ये था कि मैं मास्टर के साथ थी, मैं अलग से लाइक अभी जो MSc के बाद भी स्टूडेंट मतलब बैठ के प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन मेरा क्या था कि मैं MSc के जब मेरा MSc चल रहा था उसी टाइम पे मैं सारा सारा प्रिपरेशन कर रही थी जी, तो अलग से मुझे कुछ प्रिपेयर करने का उतना जरूरत नहीं पड़ रहा था। ग्रेट। तो ये तो रहा पूरा सफर, मतलब आपने एग्जाम कैसे किया, एग्जाम का शेड्यूल कैसा था, आपने तैयारी कैसे की, हमें थोड़ा सा बताइए आपकी फैमिली के बारे में भी। आपने कहा आपके डैड डिफेंस में है, एनीवन एल्स इन द फैमिली, मॉम क्या करती है? या मॉम मेरी नॉर्मल हाउस वाइफ है और मेरा एक छोटा ब्रदर है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अभी जी। तो इस वे में लाइक मेरी फैमिली जो है सिर्फ इतनी ही है, लेकिन ये था कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरे डैड डिफेंस सर्विस में थे तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रिपरेशन होता था या फिर स्कूलिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर ट्रांसफर हुआ तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्कूल हमें शिफ्ट करना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि इन सब चीज़ों को फेस करते करते हम लोग को लाइक कंपनसेशन करना आ गया था, और बोलते हैं लाइक एडप्टेशन हो जाती है चीज़ों को बैलेंस करके। एग्जैक्टली। तो इसी वे में था, तो हैम्पर बहुत बार हुआ। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो मेरा जो 11th क्लास का मतलब मेरा जब 11th क्लास में जब एंटर हुई तो आई वाज इन राजस्थान, मेरे डैड का उस टाइम पोस्टिंग जो है वो राजस्थान में था, तो मैंने 10th वहाँ से क्लियर किया और उसके बाद मेरे डैड को ट्रांसफर मिल गया रानीखेत में, तो हम रानीखेत में स्विच कर गए। तो राजस्थान जो है वो एक समर स्टेशन है और जो आपका रानीखेत हो जाता है वो विंटर स्टेशन हो जाता है, तो वहाँ पर समर वेकेशन होती है, यहाँ पर विंटर वेकेशन होती है। तो वहाँ पर मैं समर वेकेशन के टाइम पर वहाँ से मैंने लाइक वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया और मैं रानीखेत चली आई। जब मैं रानीखेत आई तो मुझे मालूम पड़ा कि ये विंटर लाइक विंटर स्टेशन है और यहाँ पे 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और मैं वहाँ से कुछ भी पढ़ के नहीं आई थी क्योंकि वो समर स्टेशन था। तो इस वे में सारा का सारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ, बट यही था कि आप कह सकते हो कि लक, टीचर्स ऐसे ऐसे मिले कि हाँ इतने सारा लॉस होने के बाद भी अगेन मैंने 11th क्लास में भी विद सेकेंड रैंकिंग जो है वो वहाँ पे 82% के साथ मैंने 11th क्लास को भी अपने क्लियर किया था। तो चलिए एक एक क्लास नेक्स्ट सेक्शन जो बचता है हमारा ज्योति, अभी पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें हो गई, एक फन राउंड रहता है हमारे शो पे विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। तो यहाँ पे मैं आपसे बहुत ही सिंपल कुछ सवाल नॉट एट ऑल CSIR लेवल वाले पूछने वाली हूँ और आपको आंसर्स उसकी एक वर्ड या एक लाइन में देना है,
टाइमर ऑन होता है तो ज्यादा सोचना नहीं है आपको. रेडी फॉर योर क्वेश्चंस? ओके चलिए. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु आर द थ्री मोस्ट क्लोजेस्ट पीपल टू यू अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? ओके सो इट विल बी वन ऑफ माय सीनियर दैट इज द गौरव दास एंड माय बेस्ट फ्रेंड दैट इज द मोनिका राणा एंड लास्ट अगेन माय बेस्ट फ्रेंड That is Shubhrat Award. If you were given an option to go back in the past, in history, and meet someone from the past, किसके साथ आप बैठना चाहोगे to sit and have a discussion? Okay, so मेरे एक teacher थे, like 12th में सिद्धाना सर थे मेरे. वो उन्होंने मुझे life में बहुत support किया. आज मेरा मतलब मेरा अगर bio का basics clear है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है. And she was the he was the person जो कि मेरी मतलब मेरी success को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगी और उनको मैं अपनी सक्सेस की सारी सारी स्टोरी बताना चाहूँगी. तो अगर आपके लाइफ के बारे में आप खुद या कोई और एक बायोग्राफी लिख रहा होता तो आप उसका नाम क्या रखते? What would be the title of your biography? Blessed. Wow, that's nice. Okay, अगर आपके पास एक option होता to either you know relive one day in the past आपके life की or to go into the future आपके ही life में and look into one day, कौन सा आप select करते? Okay, again मैं यही select करती कि जो मैं CSIR NET का result निकला था तो मैं जितनी खुश थी उससे ज़्यादा मेरे dad खुश थे. तो मतलब first time मैंने उनको देखा था कि खुशी के साथ साथ उनकी आंखों में आंसू भी थे बिकॉज आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड और उनको लग रहा था कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन चीज़ें मतलब सही जगह पे प्लेस नहीं हो रही हैं. तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे. तो वो लाइफ लाइक वो जो मोमेंट है वो मैं वापस से जो है रिलीव करना चाहूँगी बिकॉज मुझे अभी तक वही एक फ्लैश आता है मेरी दिमाग में जब भी एक अच्छी मेमोरी की बात होती है. ग्रेट. तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए कि अगर आप पास्ट में जाके एक 15 साल की ज्योति से मिलते तो आप उन्हें क्या एडवाइस देते? तो मैं उन्हें यही एडवाइस देती कि साइंस नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाता बिकॉज मेरे पैशन्स और भी बहुत सारे थे लेकिन हाँ साइंस फील्ड में एंटर करने की वजह से मुझे उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा. तो शायद मैं कुछ और ट्राई करती जिससे हालांकि अभी मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ कि ये क्या है. शायद मैं कुछ और ट्राई करती जो मेरा कुछ और भी पैशन था. चलिए मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपने मेंशन कर दिया मुझे एक क्वेश्चन जोड़ना होगा. और क्या पसंद था आपको? अच्छा, क्या और मुझे डांसिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. मतलब मुझे इतना पता था कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती लाइक लाइफ साइंस की फील्ड में नहीं होती तो शायद मैं कहीं अपना डांस में करियर जो है वो आजमा रही होती. तो डांसिंग का मुझे बहुत शौक है. उसके अलावा मुझे क्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है. ग्रेट. सो वही थे सारे हमारे क्वेश्चंस. आई थिंक ज्योति आपने शायद बहुत सारे रैपिड फायर्स खेले होंगे क्योंकि यू वर वेरी फास्ट विथ योर आंसर्स. तो हमारे पास यहाँ एक्चुअली एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए फ्रॉम अनअकैडमी. थैंक यू सो मच. एक सेकेंड, आप इस तरफ रख सकते. परफेक्ट. ग्रेट. सो दिस इज़ ज्योति फॉर यू नो स्पेंडिंग योर टाइम हियर. जितना इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, जितना करते रहते हो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उस सब के लिए एंड फॉर द टाइम दैट यू गेव हियर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा. इनफैक्ट लाइक आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया. कोई स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, अगर उससे कोई और स्टूडेंट जो है अगर इनिशिएटिव ले पाता है या फिर कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर पाता है तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ और नहीं होगी. तो मैं यही कहूँगी लाइक कि अगर आपने कुछ मान लिया है, गलत चीज़ मान लिया है तो ऑब्वियसली आप जो है काफ़ी ज़्यादा हार के पास पहुँच जाते हो लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो ऑब्वियसली आपका जो सक्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक चला आता है. चलो ग्रेट. तो इसी जीत की ठान को लेकर एक लास्ट जो पार्ट जो रह जाता है हमारे एपिसोड में वो है टैग अ फ्रेंड. तो जैसे कि आप आज यहाँ पे हो, हम चाहेंगे कि आप अपने कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिन्होंने शायद CSIR NET में या कोई और भी एग्जाम में टॉप किया हो, आप उनको टैग करें तो हम उनको नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए बुला सकते. फाइन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे जो सीनियर्स थे तो उनमें से मैं एक को टैग करना चाहूँगी, दैट इज़ दी गौरव दास, जिनका एक बहुत ही बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में. तो मैं चाहती हूँ कि वो ऑब्वियसली आप लोग के साथ आएँ और अपनी साइड साइड जर्नी जो है शेयर. तो गौरव जी, जैसे कि ज्योति ने कहा, वी वुड ऑल्सो लव टू हियर कि आपकी जर्नी क्या रही है. जैसे आपने ज्योति को हेल्प किया एंड जैसे उन्होंने कहा, यू हैव बीन हेल्पिंग सो मेनी अदर्स ऑल्सो, हम भी यू नो बहुत ही खुश हो गए टू सी हाउ दैट हैपेंड. आपकी क्या जर्नी थी, कैसे यू मैनेज टू डू ऑल ऑफ दिस. सो बहुत जल्द हमारी टीम आपसे भी इन कॉन्टैक्ट रहेगी टू सी यू हियर ऑन आवर शो. ग्रेट. सो ज्योति, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. यू नो आई हैव सीन आपके बहुत सारे कोर्सेज बट आज पहली बार आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सिंस आप कोलकाता से आए हो सो उस पर एक कनेक्ट है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड. आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे जाके भी आप जो भी सोचो, जिस बात की भी ठान ले लो, आप उसको यू नो बहुत ही अच्छे और सफलतापूर्वक कर सको. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू फॉर कमिंग.